बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इम्तियाज अली विद द न्यू लेक्चर फॉर आवर डिग्री कॉलेज हैदराबाद फिजिक्स पार्ट वन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, वो है रेजोनेंस। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस? रेजोनेंस मीन दैट व्हेन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनसाइड द बॉडी देन लार्ज एम्पलीट्यूड विल बी प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि व्हेन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी देन व्हाट हैपेंस, देन जो भी हो व्हाट हैपेंस, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, या दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो आइए देखते हैं कि किस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड दोनों एक ही चीज है। आप टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। उसका टाइम पीरियड उसके टाइम पीरियड के साथ बराबर हो जाए, या उसके फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर हो जाए, यानी मैचिंग हो जाए, मैचिंग कर जाए, तो इस अमल को कहते हैं रेजोनेंस। किस तरह? पहले मैं एक जनरल एग्जांपल दूंगा, फिर जो हमारे डेथ एक्ट के एग्जांपल देंगे किस तरह रेजोनेंस काम करता है, मैं वो एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैंने एक ग्राफ बनाया है, एक ग्राफ ये और दूसरा ग्राफ मैंने ये बनाया है। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ये चार बॉल यहाँ पे इसको क्या किया है, लटकाए हैं, नंबर वन ए, ये बी सी और डी। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो बॉल यानी जो लेंथ है, इसके जो लेंथ होते हैं, जो इसके साथ मैंने इसको अटैच किया है, बॉल ए और बॉल डी के बराबर है, ये दोनों लेंथ बराबर है, और इस तरह सी और डी के लेंथ बराबर है। स्टूडेंट्स मैं एक टेस्ट बॉल लेता हूँ, ये मैंने एक टेस्ट बॉल लिया सपोज, इसका अगर आप इसका लिंक चेक करें और देखें गौर से, तो इसका लिंक बराबर है इन दो लिंकों के साथ। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको वाइब्रेशन दू, इसको मोशन दू, इसको फ्रीक्वेंसी दू, इसको फोर्स दू, तो इसकी जो इसमें टाइम पीरियड आ जाएगी, इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो अब इन चार बारों में से कौन सा बार हरकत में आएगा खुद बहुत। तो स्टूडेंट्स याद रखें, इसका लिंक चूंकि इन दोनों लिंक के बराबर है, तो इसका टाइम पीरियड इसकी फ्रीक्वेंसी भी इन दोनों के साथ मैच कर जाएगा, और ये दोनों यानी ये और ये क्या करेंगे, ये मोशन में आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसे अगर आप इसमें देखें तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ज्यादा है और इसकी लिए ए और बी के बराबर है, तो अगर मैं इसको फोर्स दे दूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा, मैच कर जाएगा इन दो के साथ, और ये दो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, तो इस अमल को कहते हैं रेजोनेंस। अब अगर मैं डेली लाइफ में एग्जांपल दे दूं, क्योंकि रेजोनेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में हमारे पास एग्जांपल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे बुक के में सिर्फ तीन एग्जांपल दिए गए हैं। एक एग्जांपल है रेडियो किस तरह काम करता है, कुकिंग किस तरह पक जाती है, और MRI जो हम मेडिसिन में करते हैं मेडिकल फील्ड में, वो किस तरह काम करती है, इतिहाई इंपॉर्टेंट है। रेडियो स्टूडेंट्स किस तरह काम करता है, आपको पता है कि रेडियो में एक नेशनल फ्रिक्वेंसी होती है जो हम सेट करते हैं, तो जैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करें तो हमारे ट्रांसमिशन से जो वेव्स आती है उसमें भी तो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, 101 हुई, 96 हुई, 106 हुई, जो भी हो, तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि ट्रांसमिशन से आती है, जो जैसे ट्रांसमिशन कहते हैं ट्रांसमिशन वेव, और यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हम देते हैं एक रेडियो में जो सेट होती है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो वो स्टेशन ऑन हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने सेट की 96 फ्रीक्वेंसी, जैसे ही मैंने 96 फ्रीक्वेंसी चेक सेट की तो ये रेडियो चेक करेगा कि यहाँ पे 96 कौन सी वाली वेव्स आ रही है, सपोज 96 ये आ रही है, तो ये क्या करेगा, इस वेव को कैच करेगा और ये वही कंसर्न स्टेशन ऑन हो जाएगा, तो इस तरह रेडियो काम करता है। कुकिंग किस तरह पक जाती है, स्टूडेंट आपको पता होगा हर मटेरियल के अंदर एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जो कम आग के साथ पक जाती है, जो ज्यादा आग के साथ पक जाती है, डिपेंड अपॉन उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी दे दे, हम इतना हीट उसको दे दे कि उसकी फ्रीक्वेंसी जित जो हीट होती है, उस हीट में जो फ्रीक्वेंसी हो, वो फ्रीक्वेंसी बर्तन के अंदर जो हमने फूड रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर हो जाए, तो डेफिनेटली वो चीज क्या हो जाएगी, पक जाएगी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस की वजह से हुआ। MRI के साथ काम करती है स्टूडेंट्स, किसी भी कंसर्न एरिया में कुछ डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम ये डॉक्टर उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं,
एक प्रोसेस है लेकिन बाहर का शॉर्टकट में कि वो क्या करते हैं, वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई तो डेफिनेटली उसमें भी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगी, और जो कंसर्न एरिया होती है या ये हेड हुआ या जो भी कंसर्न एरिया हो उसमें हमारे ब्लड में भी जो है उसकी एक खास किस्म की वाइब्रेशन है, उसमें खास किस्म की फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी हमारे ब्लड के जो मॉलिक्यूल है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो एक खास किस्म वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, तो इससे एक ग्राफ बन जाएगा और वो ग्राफ के थ्रू पर डॉक्टर फिर कहते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्चुअल नॉर्मल वाइब्रेशन हो वो तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जो उसकी वाइब्रेशन नॉर्मल नहीं होती है तो हम डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसको किस तरह पता चला कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको MRI के साथ पता चला, और MRI किस चीज़ का एग्जाम्पल है, MRI एग्जाम्पल है रेजोनेंस का। तो सुने रेजोनेंस एक इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे तो हमने इसको स्टडी किया, बाद में आप भी स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में कीजिए। थैंक यू वेरी मच।